यूपी के शहर मुरादाबाद में पुलिस ने छापामारी करते हुए 3 अफराद को फर्जी करेंसी नोटों के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए 3 अफराद के पास से पुलिस ने तकरीबन 5,92,000 रुपए के फर्जी नोट बरामद किए। मुखबिर द्वारा हम लोग सूचना मिली कि 2 व्यक्ति कुछ नकली नोट लेकर आ रहे हैं, जिस पर उच्च अधिकारी सूचित करते हुए हम लोगों ने अपने TVS शोरूम के पास में NH 24 में एक टीम लगा दी, जिसपे नरेश कुमार पुत्र निरंजन सिंह, ग्राम नासरपुर थाना नखासा जनपद संभल, और महेश कुमार पुत्र रामगोपाल निवासी नासरपुर थाना नखासा संभल को 2,000 रुपए के नोटों के 200 नोटों की 4,00,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। राजेंद्र शर्मा ने इन्हें 6,00,000 रुपए बरामद कराए दिए, नकली नोट दिए और योजना बनाई कि कुमार श्रीपाल ने नकली नोटों की 6,00,000 रुपए इन्हें दिए, 4,00,000 रुपए अपने पास इन लड़कों को दे दिए और 2,00,000 रुपए अपने पास रखे रहे। उस योजना के तहत ये लड़के हम लोगों के यहाँ गिरफ्तार होना चाह रहे थे। गिरफ्तार तो हमारे हम लोगों ने इनको पकड़ा तो, लेकिन इनका मुकदमा हरियाणा में लिखा था 60,00,000 चोरी का, और उसी 60,00,000 चोरी में उनकी भी पुलिस घूम रही थी। ये भागदौड़ में इस तरह से हमको मिल गया। जब कड़ाई से हम लोगों ने शर्मा से पूछा तो शर्मा जी के पास में हमको 2,000 के 96 नोट मिले।